Go Buster! Would I Buster or Scout? वो कीचड़ के पोखरों में खेलते हुए बहुत मजा कर रहे हैं, पर ओ नहीं, बेचारी स्काउट थोड़ा सा बीमार महसूस कर रही है। ओ कुछ नहीं है, वे कल दोबारा खेल सकते हैं। अब बस्टर अंदर जा रहा है और स्नैक खा रहा है, पर ओ प्रिय, उसने अब सेब को खाने से पहले अपने कीचड़ से सने पहिए नहीं धोए और यह बहुत साफ नहीं है और उसने कीचड़ वाले पहिए के निशान हर जगह छोड़ दिए हैं। अगले दिन मम्मी बस्टर को जगाने आती है, पर ओ नहीं, बस्टर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। बेचारा बस्टर, वो उसे तो बुखार है, उसे ठीक होने के लिए आज घर पर ही रहना होगा। अब थोड़ी दवाई का समय है, बस्टर को यह बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही, पर मम्मी को पता है कि यह उसे ठीक करने में सहायता करेगी। ये लो, इतना बुरा भी नहीं था। अब बस्टर को थोड़ा सा आराम करना है। अगली सुबह बस्टर को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, स्काउट भी ठीक महसूस कर रही है, वे बाहर जा सकते हैं और फिर से खेल सकते हैं। पर रुको, मम्मी कहती है कि उन्हें अपने हाथ धोने चाहिए ताकि वो दोबारा से बीमार ना पड़े। सभी ने अच्छा काम किया। रुको, मम्मी के पास एक और सुझाव है, वे फेस मास्क भी पहन सकते हैं ताकि वे बीमार ना हो। ये लो, अब बस्टर और स्काउट सुरक्षित रूप से बाहर खेलने के लिए तैयार हैं। वे बहुत खुश हैं कि वे दोबारा ठीक हो गए। ओ बस्टर, अरे नहीं, बस्टर वास्तव में बीमार लग रहा है। हेलो स्काउट, मुझे लगता है स्काउट खेलना चाहती है। मुझे नहीं लगता कि बस्टर आज खेलने के लिए स्वस्थ है, बस्टर वास्तव में बीमार महसूस कर रहा है। जल्दी करो स्काउट, जाओ और कुछ मदद लेके आओ। ओ बेचारा बस्टर, ठीक हो जाएगा, हम सभी कभी ना कभी बीमार हो जाते हैं। अरे देखो, स्काउट बस्टर की देखभाल करने के लिए एम्बर एम्बुलेंस लाई है। महान विचार स्काउट, एम्बर को पता होगा कि बस्टर को बेहतर महसूस करने के लिए क्या करना चाहिए। एम्बर एम्बुलेंस बस्टर को अपने गैराज में वापस लाने में मदद कर रही है। आइए देखें कि क्या वह पता लगा सकती है कि बस्टर के साथ क्या गलत है। पहले बस्टर के टायर जांचते हैं। अरे देखो, इसमें से सारी हवा निकल गई है, इसे पंप करने की आवश्यकता है। ये देखो, यह बेहतर है, बस्टर पहले से बेहतर लग रहा है। ओ लेकिन तुम अभी भी मौसम के तहत थोड़ा सा सुस्त हो। आहा, थर्मामीटर द्वारा बस्टर के तापमान की जांच करते हैं। यह ठीक नहीं लग रहा है बस्टर, एम्बर के लिए बस्टर के इंजन का जांच करने का समय है। अरे नहीं, तेल का रिसाव हो रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। एम्बर अपने स्पैनर के साथ इसे ठीक करेगी। ठीक है बस्टर, जल्दी हो जाएगा, बस कुछ और कसे। ये हो गया, महान काम एम्बर। लगता है बस्टर फिर से अपने सामान्य रूप में वापस आ गया है। मुझे लगता है कि तुम बाहर जाने और खेलने के लिए अब स्वस्थ हो बस्टर। वह बहुत प्रसन्न लग रहा है, वही बस्टर जिसे हम जानते हैं और प्यार करते हैं। एम्बर के जाने का समय हो गया है, बाय एम्बर, बस्टर की देखभाल के लिए धन्यवाद। ये गए स्काउट और बस्टर खेलने के लिए, अलविदा। यह बस्टर बस है, मैं सोच रही हूँ आज वो क्या कर रहा है। एक ईस्टर अंडा शिकार, वो रहा एक अंडा, अच्छा काम बस्टर। एक और है, दो हो गए, और तीन, चार, पाँच, इतने सारे। वो ये तो बहुत से ईस्टर अंडे हैं बस्टर। यह स्वादिष्ट दिख रहे हैं, बस्टर को चॉकलेट अंडे पसंद है। स्वादिष्ट, बस्टर जितने अंडे वो चाहे खा रहा है। सुप्रभात बस्टर। ओ प्यारे बस्टर की तबीयत ठीक नहीं लग रही, उसके पेट में दर्द है। मुझे लगता है उसने बहुत ज्यादा ईस्टर चॉकलेट अंडे खा लिए।
ये रही स्काउट कार देखने के लिए कि क्या बस्टर ठीक है। वह बहुत बीमार लग रहा है, बेचारा बस्टर। स्काउट उसको एम्बर एम्बुलेंस के पास ले जाएगी, वह सहायता कर पाएगी। वो रही एम्बर, उसको पता होता है कि छोटी बसों को कैसे अच्छा करना है। हाँ, बस्टर बीमार है, पर भाग्य से एम्बर के पास कुछ दवाई है। मुंह खोलो बस्टर, तुम्हें अच्छा लगेगा। पर इतना ही नहीं, यदि बस्टर को अपना पेट ठीक करना है तो उसे कुछ सेहतमंद खाना होगा, जैसे कि एक सेब। ये रहा, यह बस्टर के बुदबुदाते पेट को शांत करेगा। अगले दिन बस्टर को अच्छा लग रहा है। ओहे, यह डिगली डिगर है। डिगली के पास क्या है? ओहो, एक और चॉकलेट ईस्टर अंडा। नहीं, मुझे लगता है बस्टर ने एक ईस्टर के लिए पर्याप्त चॉकलेट खा ली है। वो बस्टर और उसके मित्र हैलोवीन के लिए ट्रिक या ट्रीट कर रहे हैं। बस्टर की टोपी में ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयां हैं। दादाजी बस्टर को याद दिलाते हैं कि उसे एकदम से ढेर सारी मिठाइयां नहीं खानी चाहिए। अब बस्टर अपने कमरे में है, पर अब कोई नहीं देख रहा। वो जितनी हो सके मिठाइयां खा रहा है। आउच, इससे सच में दर्द हुआ। ओह नहीं, बस्टर का दांत हिलने लगा। यह तो बहुत चिंता की बात है। मम्मी बस्टर को लेने आई है, रात्रि भोज का समय है, पर वह अपना हिलता दांत छिपा रहा है। मुझे नहीं लगता वो चाहता है किसी को पता चले। खाना तैयार है, ढेर सारी स्वादिष्ट सब्जियां। पर बस्टर खाना नहीं चाहता। मम्मी को पता चल गया कि बस्टर को कुछ तंग कर रहा है। वो उन्हें अपना हिलता दांत दिखा रहा है। दादाजी को पता है क्या करना है। वो बस्टर को उस मीठे मक्के की एक गिरई लेने को कहते हैं। देखो, बस्टर का दांत गिर गया है। यह इतना बुरा नहीं था। बस्टर को अब ठीक लग रहा है। अब सोने का समय है। मम्मी बस्टर के दांत को उसके तकिए के नीचे रखने को कहती है। जब वह सो रहा होगा, दांत परी इसे लेने आएगी। बस्टर अगली सुबह उठता है और वो एक बड़ा सुनहरा तारा। बस्टर उसे बड़े चाव से पहनेगा। अब उसे पता है हिलते दांत के बारे में चिंता की कोई बात नहीं। हेलो बस्टर, वाह, इस डरावनी हरी कीचड़ को देखो, तुम इसे हर जगह फैला रहे हो। देखो टेरी ट्रैक्टर, मुझे नहीं लगता कि वो कीचड़ में लिपटना चाहता है। देखो वो कितना सावधान है। प्रतीक्षा करो बस्टर, देखो तुम सीधा टेरी की तरफ जा रहे हो। ओह, वो करीबी मामला था, देख के बस्टर। ओह प्रिया, तुमने कीचड़ टेरी के ऊपर छिड़क दिया। मुझे नहीं लगता कि वह बहुत प्रभावित है। बस्टर फिर से चला गया। हरे कीचड़ में मजा आ रहा है। ओके, ओह नहीं, बस्टर चिपचिपे कीचड़ में फंस गया है। प्रिया, ओह प्रिया, वह वास्तव में बुरी तरह से फंस गया है। सूरज ढल रहा है और अंधेरा हो रहा है, डरावना है। मुझे उम्मीद है बस्टर ठीक हो जाएगा। देखो सभी, टेरी ट्रैक्टर, वह आज बचाने आया है। टेरी हालांकि इस बारे में बहुत खुश नहीं है। टेरी, कृपया बस्टर की मदद करो, उसे बस एक बड़ा धक्का चाहिए। तुम ये कर सकते हो? एक, दो, वाह, हो गया। धन्यवाद टेरी। ओह बस्टर, अच्छा है टेरी ट्रैक्टर चिपचिपे हरे कीचड़ में से बस्टर को बचाने के लिए आया। बाय टेरी, बाय बस्टर। अरे बस्टर, वह स्काउट के साथ ड्राइव के लिए जा रहा है। देखो वहाँ टोनी डिलीवरी ट्रक है। लगता है स्काउट और बस्टर उसका पीछा करने जा रहे हैं, ये देखने के लिए कि आज वो कहाँ जा रहा है। उन्हें एक साथ बहुत मजा आ रहा है।
बोंदू स्काउट। बस्टर सड़क पर ध्यान नहीं दे रहा है, देख के बस्टर। वह काफी करीब था। ध्यान दो बस्टर, तुम लगभग टोनी को पीछे से टक्कर मारने वाले थे। अरे देखो, सड़क में एक गड्ढा है और टोनी उसी की तरफ सीधा जा रहा है। अरे नहीं, गड्ढे के कारण टोनी के दरवाजे खुल गए हैं। देख के बस्टर स्काउट, ऐसा लगता है कि उनमें से कुछ बक्से बाहर गिर सकते हैं। बक्से सड़क पर उड़ उड़ कर गिरने लगे हैं। मुझे नहीं लगता कि टोनी ने गौर भी किया है। और एक और बक्सा गिरने वाला है। वाह, तीव्र सोच बस्टर, महान पकड़। ये आया एक और। अच्छा किया स्काउट, महान काम। अरे नहीं, सावधान स्काउट, स्काउट ने नियंत्रण खो दिया है और सड़क से दूर जा रही है। उसका बक्सा उस पेड़ के ऊपर अटक गया। ओ देखो, टोनी को उस लाल बत्ती पर रुकना है। तुम्हें कुछ समय मिल जाएगा। जल्दी करो बस्टर, तुम्हारे पास बक्से वापस करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। अच्छी सोच बस्टर। अब तुम्हें बस इतना करना है कि बक्सों को वापस कैसे डाला जाए। लगता है स्काउट के पास एक विचार है। महान काम स्काउट, तुम लकड़ी की उस तख्ती को ढलान की तरह उपयोग कर सकते हो। ये देखो, बक्सों को उतारने की बिल्कुल सही जगह। बहुत बढ़िया काम। अब तुम दरवाजे बंद कर सकते हो बस्टर। हरी रोशनी होने के समय के भीतर टोनी चला। मुझे लगता है कि वह कभी नहीं जान पाएगा कि वह अपने सभी बक्सों को खोने के कितने करीब था। बहुत बढ़िया बस्टर, बहुत बढ़िया स्काउट। बस है, लगता है उसे पतंग उड़ाने में मजा आ रहा है। देखिए, अरे नहीं, स्काउट ने गलती से बस्टर को टक्कर मार दी और अब पतंग दूर उड़ गई है। मुझे यकीन है कि स्काउट यह नहीं करना चाहती थी बस्टर। देखो ये क्या है, ये सांता के लिए एक पत्र है, लेकिन इसे पहुंचाया नहीं गया है। मुझे लगता है बस्टर के पास एक आइडिया है। वह यह पत्र स्वयं पहुंचाने जा रहा है कि सांता को सुरक्षित रूप से प्राप्त हो। ओ नहीं, पत्र। ओह, मदद के लिए धन्यवाद रॉबिन। ये गया बस्टर। यह नॉर्थ पोल का एक लंबा रास्ता है जहाँ सांता रहता है। यह ठंडा और मुश्किल है बस्टर, सावधानी से कहीं घूम मत जाना। ओ प्रिय, लगभग पहुँच ही गए। ये क्या है, हिरन पटरियां। देखो यहाँ सांता है, बस्टर ने कर दिया। सांता कह रहा है, हेलो बस्टर, जाओ और से जाके पत्र दे दो। बस्टर ने इसे पहुंचाने के लिए लंबा रास्ता तय किया। आइए देखें कि ये क्या कहता है। वाह, यह सांता को क्रिसमस पे बस्टर को पतंग देने के लिए कह रहा है। यह स्काउट से है। कितनी वफादार दोस्त है स्काउट। मुझे लगता है सांता जानता है कि क्या करना है। अच्छी तरह पत्र पहुंचाने के लिए धन्यवाद बस्टर। क्रिसमस की सुबह आ गई, जागो बस्टर। ओ, पेड़ के नीचे कुछ भी नहीं है, शायद सांता बहुत व्यस्त था। रुको, आखिरकार एक उपहार है। क्रिसमस की शुभकामनाएं बस्टर। और यह रही बस्टर की कोई पतंग के बदले एक और पतंग, जैसा स्काउट ने कहा था। धन्यवाद स्काउट, इतना विचारशील क्रिसमस उपहार। हेलो बस्टर, यह एक सुंदर दिखने वाला फूल है। क्या एक चमकदार धूप वाला दिन है। बस्टर आज बहुत खुश है। और वहाँ देखो, एक अच्छा रसदार लाल सेब। बेहतर है जल्दी करो बस्टर, या तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। सबक शुरू हो चुका है, जल्दी। ओ प्रिय, मुझे नहीं लगता शिक्षक तुम्हारे देर से आने से बहुत खुश है बस्टर। तुम बेहतर तरीके से अब पाठ पे ध्यान दो। आज लगता है कि तुम्हें कोन्स के माध्यम से ड्राइव करना होगा। ये आया रॉबिन। ध्यान दो बस्टर, विचलित मत हो। ओ प्रिय, शिक्षक बिल्कुल खुश नहीं दिखता है। कोन्स के माध्यम से गाड़ी चलाने का समय है। नारंगी बस पहले जा रही है, धीमी और स्थिर। उसने कर दिया, शिक्षक प्रसन्न दिखता है। अब तुम्हारी बारी बस्टर, गुड लक। ओ बस्टर, धीरे चलो, तुम कोन से टकरा रहे हो। कोशिश करो और कोन्स के अंदर रहो। ओ प्रिय, ये वो नहीं है जो तुमको करने के लिए कहा गया था, जो तुम्हें बहुत तेज चलाना सिखाएगा। शिक्षक बहुत निराश है।
यह स्कूल की छुट्टी होने का समय है, सभी के घर जाने का समय है। मुझे लगता है बस्टर दुखी है कि उसने पार्ट में जो बताया गया था वह नहीं किया। शायद उसे जाना चाहिए और शिक्षक से सॉरी कहना चाहिए। शिक्षक वास्तव में थका हुआ लग रहा था, उसके लिए भी बहुत व्यस्त दिन था। मुझे लगता है वह उन्हें खुश कर सकता है। अब तुम क्या कर सकते हो? ओ सेब, महान सोच बस्टर, ये तुम्हारे लिए अच्छा है और तुमने शिक्षक को खुश किया। ओ जाओ बस्टर, इस बार तुम कर सकते हो, धीमे और स्थिर होकर। यह सही है, तुम ध्यान केंद्रित कर रहे हो और वास्तव में अच्छी तरह कर रहे हो। तुमने कर दिया, अच्छा काम बस्टर, बहुत बढ़िया। देखो, यह बस्टर स्काउट और डिगली है। यह क्रिसमस का मौका है और ये सांता का उपहारों के साथ आने का इंतजार कर रहे हैं। सोने का समय हो गया है दोस्तों, यदि तुम अभी भी जागते रहोगे तो सांता नहीं आएगा। ओह, यह शातिर खतरनाक बैंडिट बस है। वह इस समय यहाँ क्या कर रहा है? वह सांता पेड़ के नीचे उपहार रख रहा है, वह आज रात बहुत व्यस्त होगा। अरे नहीं, बैंडिट पेड़ के नीचे से सभी उपहार चुरा रहा है। वह क्या खलनायक है, अब वह दूर ले जा रहा है। सही हुआ उसके साथ। अब उसने क्या देखा? गोल्डन क्रिसमस का सितारा, वह उसे भी चुराने जा रहा है। ओ प्रिय, वह पेड़ को उखाड़ने की कोशिश कर रहा है, देखो। अब बैंडिट उलझ गया है, उसे सुलझने में उम्र लग जाएगी। पूरी रात लगी लेकिन बैंडिट आखिरकार मुक्त हो ही गया। अब वह उपहारों के साथ चुपके से जा रहा है। ओ बेचारा बस्टर, सब उपहार चोरी हो गए हैं, वह बहुत निराश दिखता है। बैंडिट वास्तव में सबसे बुरा है। लेकिन रुको, ये क्या है? बैंडिट क्या कर रहा है? देखो, बैंडिट सभी उपहारों को वापस पेड़ के नीचे रख रहा है, शायद वह इतना नीच नहीं है। वाह, उपहार वापस आ गए, आखिर बस्टर खुश हुआ। क्रिसमस की शुभकामनाएं। वहाँ सांता है, वह बैंडिट से बहुत खुश नहीं है। पर ये क्या, उसने पेड़ के नीचे बैंडिट के लिए भी एक उपहार रखा है। बैंडिट ने उपहार वापस रखकर इसे अर्जित किया। तुमने सही किया बैंडिट, क्रिसमस की शुभकामनाएं। देखो, वह जैसी जीप है, उसके पास एक केक है। वाह, यह स्वादिष्ट दिखता है, पर बैंडिट बस आ रहा है, वह शरारती लग रहा है। ओ नहीं, वह जेसी का केक खा रहा है, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। बेचारी जेसी, वह रहा बस्टर बस और वो रहा बैंडिट तेजी से ड्राइव करता हुआ। देखो, बस्टर स्काउट के साथ खेलने गया है, उसने उसे एक साकर गेंद भेंट के रूप में दी है। स्काउट को खेलते देखो, उसे देखो, डिगली एक रंगीन स्तंभ बना रहा है, पर बैंडिट आ रहा है। मैं सोच रही हूँ यह बुरी दगाई क्या करेगा। ओ नहीं, उसने डिगली के स्तंभ को गिरा दिया, बैंडिट हानिकारक है। ओहो, उसने स्काउट की गेंद को देख लिया। बैंडिट अपने लिए गेंद को चुरा रहा है, कैसा दगाई है। बस्टर कुछ करना चाहता है, बेचारी स्काउट बहुत दुखी है। बस्टर अपने मित्र की सहायता करना चाहता है, वह बैंडिट के सामना करेगा तथा उससे गेंद को वापस ले लेगा। मुझे नहीं लगता बैंडिट बस्टर की सुनेगा, वह उसे ही धमकाएगा, यह ठीक नहीं है। पर रुको, जैसी बस्टर के साथ खड़ी हो रही है, स्काउट भी सहायता के लिए आ गई है। वह सारे बैंडिट के दगाई होने से तंग आ चुके हैं। वह रही ओटिस पुलिस कार, आइसक्रीम का आनंद लेती हुआ। उप्स, बैंडिट ओटिस से टकरा गया। ओटिस क्रोधित दिख रही है, बैंडिट के लिए अच्छा हुआ, सबके साथ बुरा व्यवहार कर रहा था। अब बस्टर स्काउट और जैसी शांति से सॉकर खेल सकते हैं।
देखो यह ताजी सुबह में बस्टर बस है। वह आज क्या करने जा रहा है? वो क्या है? बीच? वो बस्टर कुछ फल और सब्जियां उगाने वाला है। बस्टर सब्जियों वाले टुकड़े की ओर जाता है और निर्देशों को देखता है। पहले उसे बीज को डालने के लिए गड्ढा खोदना होगा। बस्टर खोदना चालू करता है। ओह प्रिय, यह बहुत समय ले सकता है, पर देखो वो रहा डिगली। वह सहायता कर सकेगा। डिगली खोदने में सबसे अच्छा है और वो अपने मित्रों की सहायता करके हमेशा खुश होता है। डिगली कुछ ही समय में बीजों के लिए गड्ढा खोद देगा। कोई परेशानी नहीं है। अब बस्टर गड्ढे में सारे बीज डाल रहा है और दूसरे पग को देखता है। धूप, बीजों को बढ़ने के लिए धूप चाहिए। पर ओ गगन में आज बादल है। पर देखो वो रहा मोंटी गर्म हवा का गुब्बारा। शायद वो सहायता कर सकता है। ये लो, मोंटी ने बादल को दूर भगा दिया। अब बीज बढ़ रहे हैं। अब तीसरा पग, वर्षा। लगता है मोंटी के लिए एक और काम है। वो बादल पर कूद रहा है और अति उत्तम। अब उनको बीज के बढ़ने का इंतजार करना है। कई दिन बीत गए, पौधे बड़े हो जाते हैं। फिर एक ताजी सुबह बस्टर अपना कैलेंडर देखता है। आज का ही दिन है। देखो, लाल टमाटर, संतरी पेठा, पीली मीठी मक्की, हरे मटर और बैंगनी बैंगन। बहुत अच्छा बस्टर। उसने जो रंगीन फल और सब्जियां उगाई है उनको देखो। अब वो उनको अपने मित्रों के साथ बांट सकता है। साथ आओ और बस्टर बस की एक परियों की कहानी सुनो। बस्टर बस वो रहा, लगता है वो मोहित मन से होके जा रहा है। पर रुको, सड़क के किनारे ये क्या है? मुझे लगता है यह एक जादुई पुस्तक है। वाह, बस्टर इसे जादू करने के लिए उपयोग कर सकता है। देखो, यह स्काउट टेरी और जेसी है नगर के चौराहे पर। मुझे लगता है बस्टर कुछ जादू करने का प्रयास करेगा। आओ देखें। वाह, एक जादूगर की टोपी। बस्टर सच में जादू कर रहा है। मैं सोच रही हूँ कि बस्टर टेरी की सहायता के लिए क्या करेगा। एब्राकडाब्रा। वाह, बस्टर ने पौधों को बड़ा कर दिया। अच्छा काम जादूगर बस्टर। जादुई पुस्तक में और कौन सा जादू है? मधुमक्खी का जादू। ओह देखो, बस्टर ने स्काउट को एक मधुमक्खी बना दिया। उसे उड़ने में बहुत मजा आ रहा है। मुझे लगता है जैसी भी उड़ना चाहती है। उसके लिए कौन सा जादू है? बुलबुले। अच्छा है, जैसी अपने बुलबुले में उड़ रही है। अच्छा काम जादूगर बस्टर। ओ देखो, उसे नींद आ रही है। सोने का समय हो गया बस्टर। ओहो, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। जादू नियंत्रण से बाहर हो गया है। जल्दी करो बस्टर, तुम्हें सब कुछ पहले जैसे सामान्य करना होगा। जल्दी करो बस्टर। यह सारे जादू रद्द कर दिए गए, परंतु मुझे नहीं लगता कि बस्टर के सारे मित्र उसे खुश हैं। बस्टर जादुई पुस्तक को वहीं वापस रख रहा है जहां से वह मिली थी। शायद यह एक अच्छा विचार है। यह बस्टर और रॉबिन है। लग रहा है बस्टर बबलगम का बहुत आनंद ले रहा है। वो क्या है? बोतल में एक संदेश। मैं सोच रही हूँ ये क्या हो सकता है। वाह, यह एक खजाने का नक्शा है। स्थान को एक्स से चिन्हित किया गया है। बस्टर और रॉबिन दबे खजाने को ढूंढने जा रहे हैं। अब उन्हें किधर जाना चाहिए? वह रही जेटी और देखो वह रहा डेजर्ट द्वीप। उन्होंने ढूंढ लिया। ओहो, पानी शार्क से भरा है। उन्हें एक सुरक्षित राह ढूंढना होगा। देखो, यह कैटरीना स्टीमबोट है। वह तट पर फंसी हुई है। उसे पानी में वापस धकेला जा सकता है।
हो गया बस्टर, बहुत अच्छा। ठीक, कैटरीना पानी में वापस आ गई, पर ओ प्यारे, एक छिद्र है। कैटरीना डूब सकती है अगर किसी ने इसे ठीक नहीं किया तो। मुझे लगता है बस्टर के पास एक योजना है। मैं सोच रही हूँ वह बबल गम से क्या करेगा। ओ, वह छिद्र को बबल गम से बंद कर रहा है। बहुत चतुर बस्टर, अब शार्क्स उन्हें नहीं पकड़ेंगे। अगला स्टॉप डेजर्ट द्वीप। बहुत अच्छा, बस्टर द्वीप पर आ गया है। अब उसे खजाने को ढूंढना है, यही कहीं है। वहाँ स्थान को एक्स से चिन्हित किया गया है। बस्टर खुदाई कर रहा है। वाह, एक खजाने की पेटी, देखो एक सोने का सिक्का। मैं सोच रही हूँ बस्टर इसका क्या करेगा। देखो डिगली कैटरीना पर काम कर रहा है उसका रिसाव ठीक करते हुए। ओह, बस्टर सिक्के से डिगली को भुगतान कर रहा है। वह कैटरीना की ठीक होने में सहायता कर रहा है, अपने नए मित्र को धन्यवाद कहने के लिए। कितना दयालु है, कितना मजेदार साहसिक कार्य था। फार्म पर बहुत ही गर्मी का दिन है। देखो, मुझे लगता है टेरी बस्टर को कुछ दिखाना चाहता है। हे, यह मोंटी है, गर्म हवा का गुब्बारा। वह टेरी का एक पुराना मित्र है। हेलो बोलो बस्टर। हवा में गुब्बारे की तरह तैरना बहुत ही मजेदार होगा, पर ओहो, हवा का बहाव बढ़ गया है। मैं आशा करती हूँ कि मोंटी कहीं उड़ ना जाए। ओ नहीं, रस्सी टूट गई और हवा मोंटी को दूर उड़ाई लिए जा रही है। जल्दी करो बस्टर, उसका पीछा करना होगा, वरना कौन जाने वह कहाँ चला जाए। मोंटी बहुत ऊंचा है, उसे नीचे कैसे उतरेंगे। देखो एक रस्सी। मैं सोच रही हूँ कि बस्टर के मन में क्या है। जल्दी करो, तुम्हें मोंटी से आगे निकलना होगा। बस्टर क्या करेगा। बिल्कुल, रस्सी का एक फंदा। रस्सी डालो काउबॉय। आह, इतना पास, पर मोंटी अभी भी दूर उड़ता जा रहा है। मोंटी को बचाने के कोई तो राह होना चाहिए। बस्टर को अब क्या दिखा। यह इगी आइसक्रीम ट्रक है, ढेर सारे गुब्बारे के साथ। मुझे लगता है मुझे बस्टर की योजना पता है। देखो, बस्टर ने सारे गुब्बारे अपने ऊपर बांध लिए और अब वह गगन में उड़ रहा है। जाओ बस्टर, तुम कर सकते हो। मोंटी को पकड़ लो। लगभग तुमने उसे पकड़ लिया। बहुत अच्छा किया बस्टर, तुमने बचा लिया। मोंटी बहुत आभारी दिख रहा है। आह, मोंटी फिर से सुरक्षित बंधा है। वह उस गुब्बारे की भांति नहीं उड़ेगा। अच्छा काम बस्टर। हेलो बस्टर, लगता है तुम्हें कीचड़ के पोखरों में छप छप करके बहुत मजा आ रहा है। तुम्हें कीचड़ लग रही है। और ये कौन है। टेरी ट्रैक्टर है। वह बस्टर से थोड़ा अधिक सावधान है। बस्टर को इन सारे पोखरों में होके जाना बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, वो सीधा टेरी ट्रैक्टर से टकराएगा। बच गए, बहुत पास का मामला था। ध्यान रखो बस्टर, पोखर फिसलन से भरे हैं। ओ, टेरी ट्रैक्टर बस्टर से बिल्कुल खुश नहीं है। वो दोबारा जा रहा है। ध्यान रखो इस बार तुम कहाँ जा रहे हो बस्टर। ध्यान से। ओह नहीं, बस्टर फंस गया। बुद्धू बस्टर, अब वो क्या करेगा। सूरज छिप रहा है और अंधेरा छा रहा है। आशा है कि बस्टर ठीक होगा। देखो टेरी ट्रैक्टर आ रहा है, वो सहायता के लिए आ गया। मगर टेरी इसके बारे में खुश नहीं दिख रहा है। कृपया बस्टर की सहायता करो टेरी, उसे केवल एक धक्के की आवश्यकता है। क्या वो कर रहा है। एक, दो, ये हो गया। हुरे! धन्यवाद टेरी। ओ बस्टर, शुक्र है टेरी ट्रैक्टर था सहायता के लिए। विदा टेरी, विदा बस्टर।